नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल एस्ट्रो अभी चतुर्वेदी में। अभिषेक चौबे आज लेकर आया हूँ लव राशि फल कन्या, तुला और आपकी कुंभ राशि के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर लें। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे, सर कन्या राशि का लव राशि फल अपलोड कीजिए। और कुंभ राशि के लिए तो हमेशा डिमांड रहती है, तुला राशि के लिए मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए। ये लोग बेचारे बोल नहीं पाते हैं, फिर भी इनके लिए मुझे वीडियो देना चाहिए। ठीक है, तो हम ये तीन राशियों का लव राशि पर लेके आपके सामने उपस्थित हैं। उससे पूर्व हम आपको बता दें, ये जानकारी हम गोचर के अनुसार साथ ही चंद्र राशि के आधार पर मतलब मून साइन के अनुसार दे रहे हैं। अगर आपको मून साइन नहीं पता है तब आप अपने नाम राशि से देखवा सुन सकते हैं, आपके लिए बहुत ही खास लव राशि फल है। आपको अगर कोई धोखा दे के चला गया है या आपको कोई धोखा दे रहा है, आप कॉल करते हैं आपका फ़ोन कट कर दिया जाता है या फिर रिसीव नहीं होता है, आप मैसेज पे मैसेज किए जा रहा है, सीन हो रहे हैं, बशर्ते आपको रिप्लाई अगर नहीं मिल रहा है, या फिर आपसे 2 साल या 10 साल पहले कोई इंसान मिला और आपको बड़बड़ी बात देखी है, हम शादी करेंगे, हम साथ में रहेंगे। कई लोगों के साथ तो ऐसा हो जाता है कि भाई गुप्त रूप में शादी कर लेते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, एक साथ रह रहे हैं पति पत्नी की तरह, और बाद में फैमिली का वो बना दिया, हमारी फैमिली नहीं मानेगी या फिर हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। मतलब पहले तो पूरी तरीके से शिद्दत से निभाने को तैयार थे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे, अब बदल गए हैं। शायद आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, है ना। आप परेशान मत होइए, आप एक ऐसे इंसान को यहाँ देख रहे हैं जो कि रियलिटी बताई जाती है, यहाँ पर कभी मिस गाइड नहीं किया जाता है, ना ही आपको कभी गलत बताया जाएगा। आप हम खुद आश्चर्य करते हैं, आप लोग क्या, भगवान की बड़ी कृपा है। आप हमारे किसी भी वीडियो में देख लीजिए, कभी वैड कमेंट नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी को गलत नहीं बताते हैं। अभी तक के रिकॉर्ड में हमने जिन लोगों को बताया 95% हमारा रिजल्ट पॉजिटिव है। आप हमारे फीडबैक चेक कर सकते हो, मैं हर एक इंसान का फीडबैक नहीं डालता हूँ, बहुत ही कम लोगों के फीडबैक शेयर करता हूँ। तो आप हमारे यूट्यूब की कम्युनिटी में चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप सर्च करें एस्ट्रो अभी चतुर्वेदी, वहाँ पर आप हमारे फीडबैक चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि हमारे यहाँ क्या है। ठीक है, आपको भी हम जो बताएंगे वो क्लियर ही बताएंगे। आपकी लाइफ में कोई पर्सन आया, मतलब प्रेजेंट में आया है और वो वादे कर रहा है, तो क्या सच वादे कर रहा है या झूठ वादे कर रहा है, या फिर कोई आपको छोड़ के चला गया है तो वो वापसी करेगा भी या नहीं करेगा, या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई, क्या स्थिति है, वो हम सब आपको बता देंगे। अगर आपके पास अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप फेस रीडिंग करवा सकते हो अपने पार्टनर की। लव लाइफ में आप फेस रीडिंग 100% आपको सही बता दूंगा, आपको उपाय भी बता दूंगा अगर थोड़ी बहुत भी गुंजाइश रहिएगी तो। ठीक है, चलिएगा हम मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आपकी अगर कन्या राशि है अभी से लेके 2023 के 30 अप्रैल तक, आपका समय बहुत प्रबल देखने को मिलेगा, बशर्ते जिनकी कुंडली में कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। जिनकी कुंडली में प्रॉब्लम है और अंतरसा या प्रत्यंतरसा किसी पाप ग्रह की चल रही है, और वो लोग ये आशा रखें कि हमारी लव लाइफ में बहुत अच्छा होगा या हमारा एक्स वापसी करेगा, तो वो लोग बिल्कुल भी आशा ना करें। और जिनकी कुंडली में दिक्कत नहीं है वो लोग 100% आशा कर लें इस चीज़ की कि आपकी लव लाइफ में अच्छा होने वाला है। आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा, आपकी मतलब समझ रहे ना, आर्थिक सपोर्ट करेगा, साथ ही आपका पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेगा, आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली वो आपसे जुड़ेगा। ठीक है, आपका अगर एक तरफा प्यार था कोई, तो आप चाहते थे कि वो व्यक्ति हमारी ओर झुके, तो 100% वो इंसान आपकी ओर झुकेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, अगर आपका किसी से ब्रेकअप हो गया था, विशेषकर आपका इन तीन राशियों से, तो 110% में, 110% कह रहा हूँ, अगर दिक्कत नहीं है तो ये वापसी करेंगे। पहली राशि वृषभ राशि का कोई भी एक्स क्यों ना रहा हो आपका, दूसरी राशि जिस राशि को आप और हम आपकी ही राशि बोलते हैं कन्या राशि, तीसरे नंबर की राशि कुंभ राशि, ये तीन राशियों के एक्स 110% वापसी करेंगे अगर कुंडली में दिक्कत नहीं है तब। ठीक है, सेकंड नंबर, अगर आप काफ़ी टाइम से परेशान थे, आप अपने पार्टनर को लेके आप लव मैरिज करना चाहते हैं, आपका पार्टनर नहीं मान रहा है, तो आपका पार्टनर अब मान जाएगा और आप लव मैरिज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आगे बात बढ़ा सकते हैं, आपके लव मैरिज के भी चांस बन रहे हैं। बात कर लेता हूँ
तुला राशि के लिए। अगर आपकी तुला राशि है तो अभी से लेके 30 अप्रैल तक का समय आपके लिए भी बहुत खास देखने को मिलेगा। आपको अगर किसी ने धोखा दिया था, किसी भी राशि का पार्टनर क्यों ना हो, तो वो वापसी करेगा। साथ ही अब एक चीज़ और देखने को मिलेगी, वो अनब्लॉक तो कर ही रहा है आपको, लेकिन अब वो आपको ब्लॉक नहीं करेगा, अब ब्लॉक नहीं करेगा, और अब वो कहीं ना कहीं उसे गलती का एहसास होगा जो कि उसने गलती की थी। उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई थी तो जिसके चलते वो छोड़ के चला गया था। लेकिन भैया पुनः बता दें, जानकारी हम गोचर के अनुसार दे रहे हैं, आप सटीक जानकारी कब आपके साथ क्या होगा वो आपकी कुंडली में लिखा रहता है ना। तो वो व्यक्ति अब आप कहीं ना कहीं गलती महसूस करके आपकी लाइफ में आएगा और अच्छे से रहेगा। अगर आप सिंगल हैं, काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे कोई व्यक्ति आए हमसे जुड़े, तो अब वो व्यक्ति आएगा भी। जो लोग फिजिकली डिमांड रखते हैं उनके लिए खुशी का समय रहेगा अभी से लेके 30 अप्रैल तक। आपकी जो भी फिजिकली डिमांड है वो पूर्ण रूप से पूरी होगी। आपको बहुत ज़्यादा रोमांस, बहुत ज़्यादा प्रेम मिलने वाला है, ठीक है। बात कर लेता हूँ कुंभ राशि के लिए, अभी से लेके 30 अप्रैल तक कुंभ राशि के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। अगर आपका पार्टनर कोई कन्या राशि का है और ये बदल गया था, कोई आपको छोड़ के चला गया था, तो ये वापसी करेंगे। साथ ही अगर आप कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में कन्या राशि का आ रहा है तो आप एकदम से ट्रस्ट मत कर लेना उनको, थोड़ा परखना आप, है ना, परखना। और परखने में अगर वो सही लगे तभी आप उन पे आगे अपनी लाइफ में एंट्री देना, अन्यथा ऐसे मत दे देना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। एक तो ये वापसी करेंगे अगर आपके कोई एक्स रहे। दूसरे नंबर की राशि जो कुंभ राशि की लाइफ में दोबारा से जाने वाली है, अगर आपका कोई पार्टनर तुला राशि का रहा तो वो भी आपकी लाइफ में वापसी करेगा। साथ ही आप पूर्ण शिद्दत से आएंगे, और अगर आप इन लोगों से लव मैरिज करना चाहते हैं या फिर आपकी ही कुंभ राशि आपके पार्टनर की भी क्यों ना हो, तो आप इन तीन राशि वालों से मतलब लव मैरिज के लिए चर्चा चला सकते हैं। साथ ही आप अगर सिंगल घूम रहे हैं काफ़ी टाइम से तो आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आएगा। अगर इन राशियों का आ रहा है तो हमने आपको बता ही दिया है, थोड़ा सा पढ़ के आप इनको अपनी लाइफ में एंट्री दे सकते हैं। बशर्ते कुंभ राशि के लोग हम कई वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, दिल के साफ होते हैं ये लोग। बदलने का इनका वो नहीं होता, इनके सामने विशेष कोई मजबूरी आ जाए तभी बदलते हैं। एक महाशय ने कमेंट किया था, सर कुंभ राशि के लोग धोखेबाज होते हैं, मुझे नहीं लगता है, इन लोगों के साथ बहुत बड़ी कोई मजबूरी आती है तभी ये छोड़ते हैं, अन्यथा ये लोग ऐसे छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना आप लोग कुंभ राशि के प्रति। आज हम आपको इतनी ही जानकारी देंगे, कल पुनः मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपने फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री